पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रविवार को दिल्ली रोड स्थित टिबेट के सभागार में ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जन समस्या पर विचार किया गया। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक ने बताया, हम सब आम जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं और जो भी सरकार की योजना होती है तो उन योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराते हैं, जिसके लिए कोई भी लाभार्थी बचना नहीं चाहिए। साथ ही सभी बैंक कर्मियों का माल्यार्पण कर स्वागत व सम्मानित किया गया और आम बजट पर भी चर्चा की गई, जिसके अभाव में लोगों ने भी अपने विचार रखे। और साथ ही बैंकों से आए हुए अधिकारियों ने भी बताया कि सरकार की योजनाओं से बैंक को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब इसी बात को लेकर कल दिल्ली में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुलाधिपति टीएमयू सुरेश जैन मौजूद रहे। ये हमारे मुरादाबाद जो मंडल है, सर्कल है, इसका ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस चालू है। इलेक्शन के बाद हम लोग ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जो लोकल इश्यूज है इस सर्कल का या ये जोन का, उसके बारे में चर्चा होगी जरूर। इंडिविजुअल ऑफिसर्स की प्रॉब्लम्स इश्यूज के ऊपर भी चर्चा होगी, बट सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इसमें आज जो फाइनेंशियल सेक्टर में स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ क्या हो रहा है गवर्नमेंट का नीतियों के बारे में, हमारे वेज डिवीजन जो आज 1 नवंबर 2017 से ड्यू है और उसमें गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहे है, उसके ऊपर चर्चा होगी। आज जो गवर्नमेंट पॉलिसी अपना रहे हैं, नीति अपना रहे हैं, उससे बैंक को फ़ायदा होने के बजाय उसमें नुकसान हो रहा है। हम पूरे साल भर गवर्नमेंट के हर स्कीम को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं और उसके कारण हमारा शायद कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस हम कर भी नहीं पाते हैं। जो आप देखेंगे कि अभी एक के बाद एक योजना गवर्नमेंट लग के आते हैं, जनधन योजना से शुरुआत किया था तो उससे बैंक पूरे साल भर ये कर रहे हैं और हम खुशी से कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने गवर्नमेंट को वेतन वृद्धि जो हमारे मांग है, जो हमारे ड्यू है, वो गवर्नमेंट उस पर कुछ कर नहीं रहा है। दूसरा, अब बैंकों के अंदर ऑफिसर्स के अंदर कैसे विभाजित किया जाए, इसकी कोशिश बैंक कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं। इसके जवाब में कल दिल्ली में हमारे ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईबॉक, उसके झंडे तले कल हम लोग दिल्ली में एक विशाल मोर्चा निकाल रहे हैं, जो यहाँ से भी हमारे सदस्य वहाँ आएंगे, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं, उसमें हम करेंगे। जो गवर्नमेंट का आप देख रहे हैं कि नीतियाँ हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जो कंपनी, बड़े बड़े कंपनी ने NPA कर दिया, तो वो प्राइवेट सेक्टर है, कॉरपोरेट सेक्टर है, देश के नामी नामी लोग हैं, उन लोगों ने बैंक का पैसा डुबाया। अगर उन्होंने 20,000 करोड़ बैंकों का डुबाया तो गवर्नमेंट के जो अभी नीतियाँ है IBC कोड के तहत, जो NCLT में जो ट्राई किया जाता है, उसमें दूसरा एक प्राइवेट कंपनी आके उसको 5,000 करोड़ में खरीद लिया।